सभी को प्यार भरा जय भीम। आज मैं कुछ महत्वपूर्ण विषय पे बात करने जा रहा हूँ, खासतौर से डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जो कुछ भाषण दिए हैं छात्रों को लेकर, उस विषय में मैं एक जो भाषण है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया है, वो जो अस्पृश्य छात्र सम्मेलन पुणे, और ये 11वां अधिवेशन था जो कि संडे 11/9/1938 मतलब 1938 में ये भाषण डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने छात्रों और छात्राओं के सामने ये भाषण दिया था। ये भाषण का जो विषय था, छात्रों जागरूक हो जाइए या जागरूक हो, इसका जो भाषांतर किया गया है विद्यार्थियों जागरूक हो, इस तरह से ये भाषांतर का जो अनुवाद है मराठी में होता है। लेकिन ये जो भाषण की जो शुरुआत है, बाबा साहब ने एक बहुत ही अच्छे कोटेशन से की थी। बाबा साहब कहते हैं, इफ़ यू वांट टू सक्सेस यू मस्ट बी नैरो माइंडेड, मतलब अगर आपके जीवन में आपको सक्सेस होना है, आगे बढ़ना है, तो आपने आपका जीवन फोकस से रखना चाहिए, जो नैरो माइंडेड का जो अर्थ होता है कि एक ही दिशा में जाना। क्योंकि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इस भाषण में कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति 10 काम एक साथ नहीं कर सकता, अगर कोई व्यक्ति 10 काम एक साथ करता है तो उसे सक्सेस नहीं मिल सकता, वो आगे नहीं बढ़ सकता। मान लीजिए कि 10 कामों को एक साथ करेगा तो वो कोई भी 10 कामों में से कोई भी एक क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ सकता है। सो ये डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने इस कोटेशन के द्वारा छात्रों को जब वो भाषण दे रहे थे या बता रहे थे, वहाँ से उन्होंने वो उसकी शुरुआत डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने की थी। लेकिन आगे और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर छात्रों को कहते हैं कि देखिए, हम अगर कितने भी पढ़ लिख कर आगे अगर हम लोग बढ़ते हैं, है ना, अगर हम पढ़ते हैं और हम ग्रेजुएशन तक जाते हैं, उतना हमारे लिए काफ़ी नहीं है। बाबा साहब ये छात्रों को कहते हैं, क्योंकि बाबा साहब की जो अपेक्षाएं थी छात्रों से, वो इससे कई गुना थी। वो आगे ये कहते हैं कि अगर मान लीजिए जो लोग हमारे आगे हैं, मतलब जो हम ये कह सकते हैं कि जो जातिवादी लोग हैं, जो जो लोग हमें निचले स्तर का समझते हैं, वो हमें कभी भी आगे बढ़ता हुआ देख नहीं पाएंगे, या उन्हें वो अगर हम आगे बढ़ते हैं तो उसकी तकलीफ उन लोगों को होगी। तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर क्या कहते हैं कि आप इतना ही पढ़ना काफ़ी नहीं है, तो जितने वो लोग पढ़े हैं उनसे 10 गुना आगे हमने पढ़ना चाहिए या 10 गुना आगे हमने जाना चाहिए, तब जाके कहीं ना कहीं हमारी बराबरी हो सकती है। अन्यथा हमको वो कभी भी आगे बढ़ने नहीं देंगे। तो बाबा साहब की जो छात्रों से जो अपेक्षाएं थी, कि उनकी ये अपेक्षाएं थी कि थोड़ा पढ़कर हमने समाधानी या संतुष्ट नहीं होना चाहिए, हमने जितना पढ़ते आएगा उतना हमने पढ़ना चाहिए। बाबा साहब उनका एक उदाहरण देते हैं कि जब मैं बैरिस्टर बनकर इस देश में आया, तो उस समय भी मुझे लोग क्या कहते थे कि ये महार का बैरिस्टर है, मतलब निचली जाति का बैरिस्टर कहकर वो मेरा अपमान करने का प्रयास करते थे या मुझे नीचा दिखाने का प्रयास करते थे। जबकि, और मुझे भी लगता है कि ये बात कितनी भयंकर है, कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ये बहुत ही महान ऐसे व्यक्ति थे, उनके जैसा पढ़ा लिखा कोई नहीं था, लेकिन उसके बावजूद भी ये जो लोग हैं उनको क्या कहते थे, ये लोग उनको कहते थे कि निचले जाति का बैरिस्टर। मतलब एक प्रकार से सही में ये विचार करने वाली बात है, हमारा एक बच्चा, हमारा एक व्यक्ति पढ़कर आगे जाता है, उसके बावजूद भी जो वैल्यूएशन या जो जगह उसको मिलनी चाहिए
वो हमें नहीं मिलने पाती, नहीं मिल पाती है। इसके लिए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं कि हमने पढ़ लिख कर बहुत आगे जाना चाहिए, युवाओं के बारे में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं। फिर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर उनका उदाहरण देते हैं कि मैं जैसे पढ़ा हूँ, मैं 10x10 के कमरे में मैं पढ़ता था, रहता था 10x10 के कमरे में मैं रहता था। और वो कहते हैं कि एक पैसे का मिट्टी का तेल लाकर उसका दिया लगाकर मैं पढ़ाई करता था। मतलब सोचने वाली बात है दोस्तों। और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का जो जीवन प्रवास है या उन्होंने जो पढ़ाई की है, कितनी कठिन समस्याओं में से की है, वो कहते हैं कि मैं एक पैसे का मतलब तेल, जो मिट्टी का तेल होता है, और उसका दिया बनाकर वो पढ़ते थे। और फिर वो कहते हैं, वो इसी भाषण में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं कि आज की जो अपनी युवा पीढ़ी है या आज की जो परिस्थिति है, जिस समय मैं पढ़ता था उससे कई गुना अच्छी है, कई गुना हम अच्छे स्थिति में हैं। तो वो कहते हैं कि युवाओं ने कितनी ज़्यादा क्या बोलते हैं मेहनत करनी चाहिए। और आउट ऑफ दिस के बाद, मतलब डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ये 38 में कहते हैं, लेकिन आज अगर हम 2020 की बात करते हैं तो 38 के उससे भी कई गुना आज की हमारी स्थिति बहुत अच्छी है। आज हमारे पास सब कुछ है, सोशल मीडिया है, यूट्यूब है, हम हर माध्यम से पढ़ सकते हैं। तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का जो हमसे क्या बोलते हैं एक प्रकार से जो अपेक्षाएं थी वो बहुत बड़ी थी। और ये डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जो अपेक्षाएं थी, ये कहीं मतलब उनके स्वयं के लिए नहीं थी, उनके समाज के लिए थी, युवाओं के लिए थी। और युवाओं ने अपनी क्षमता लगाकर पढ़ना चाहिए, इस उद्देश्य से डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं। और बाबा साहब अम्बेडकर फिर क्या कहते हैं कि एक उदाहरण देते हैं डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, वो कहते हैं कि अगर हमारी स्त्री एक महार समाज की स्त्री अगर सोने के भी आभूषण पहनकर बाहर जाती है और वो उच्च जातियों के लोगों ने अगर उसको देख लिया तो वो कहेंगे कि ये पीतल के आभूषण है, भले ही वो 100% प्योर सोने के आभूषण भी रहे तो लोग कहेंगे कि ये पीतल के आभूषण है। और अगर उनकी महिला अगर पीतल के आभूषण पहन के निकलती है तो वो लोग कहेंगे कि इसने सोने के आभूषण पहने। इतना फर्क है उनमें और हमें। बाबा साहब ये उदाहरण देते हैं कि ये फर्क वो बताने का प्रयास कर रहे हैं कि अगर हम उनके तुलनात्मक जितने वो पढ़े हैं उतने भी हम पढ़ेंगे तो भी वो लोग हमें नीचे देखेंगे। इसलिए हम बाबा साहब कहते हैं कम से कम उनसे 10 गुना ज़्यादा हम लोगों ने पढ़ लिख कर आगे बढ़ना चाहिए। फिर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर एक बात कहते हैं, खासतौर से युवाओं को युवाओं के बारे में वो कहते हैं कि युवाओं ने अपने मन में आत्मविश्वास की निर्मित करनी चाहिए, अपने आत्मविश्वास का स्तर बढ़ाना चाहिए। फिर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं कि मैं ये जो कहने जा रहा हूँ इससे लोग मुझे घमंडी या इगोइस्ट कहेंगे। वो कहते हैं कि मेरे अंदर इतना आत्मविश्वास है कि अगर मैंने कोई चीज़ को तय किया है कि मुझे ये करना है तो चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, जब तक वो मैं चीज़ करता नहीं हूँ तब तक मैं पीछे नहीं मुड़ता, फिर वो कितनी भी बड़ी बात हो। और मेरे हिसाब से डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने वो सिद्ध करके दिखाया है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का आत्मविश्वास इतना था कि हजारों साल से जो लोग गुलामी में पड़ रहे थे उस गुलामों को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने आज एक ऐसी स्थिति में ला के रखा है कि वो राज कर रहे हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात ऐसी बाबा साहब अम्बेडकर ने कही है। और उसी तरह का आत्मविश्वास युवाओं में होना चाहिए, ऐसे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं। जो महत्वपूर्ण जो बात है कि वो युवाओं को कहते हैं जिस तरह से आपने महार जाति की महिला के गर्भ से जन्म लिया है उसी तरह मैंने भी जन्म लिया है ना। मतलब बाबा साहब ये कहते हैं कि जिस तरह से आपने
महार जाति की महिला के गर्भ से जन्म लिया है, उसी तरह से मैंने भी जन्म लिया है। और वो भी ये कहते हैं कि जो सुविधाएं आज आपके पास है वो सुविधाएं मेरे पास नहीं थी, जो सुविधाएं आपके पास है वो सुविधाएं मेरे पास नहीं थी। और मैं यहाँ पर रुकता हूँ क्योंकि ये मैं इस भाषण का ये पहला पार्ट है, और इस पार्ट को मैं सेकंड पार्ट में, जो दूसरा जो भाषण का जो आधा भाग है वो सेकंड पार्ट में मैं लाऊंगा। और आपसे मैं नम्र निवेदन करता हूँ, अगर आप इस YouTube चैनल को देख रहे हैं तो आप कृपया करके इसको सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आने वाले समय में इसी तरह से डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के जितने भी भाषण हैं उन भाषणों को मैं इसी तरह से YouTube के द्वारा आप तक मैं पहुंचाने का प्रयास करूंगा। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय भीम।